बालाघाट जिले की वारासिवनी विधानसभा सीट पर आए परिणाम ने राजनीतिज्ञों के गणित को फेल कर दिया। इस विधानसभा सीट से चार बार के विधायक और भाजपा सरकार में खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस के युवा प्रत्याशी विवेक विक्की पटेल ने 1000 वोटों के अंतर से हरा दिया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के विजय जुलूस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रदीप जायसवाल विधायक रहते वक्त कभी विवेक विक्की पटेल उन्हें जिताने में पूरी ताकत झोंक देते थे, लेकिन इस बार प्रदीप जायसवाल भाजपा से टिकट ले आए और उनके सामने विवेक विक्की पटेल कांग्रेस प्रत्याशी रहे, जहां कम वोटों के अंतर से ही सही पर विवेक विक्की पटेल विधायक बन गए। जहां प्रदीप जायसवाल भाजपा में शामिल होते ही भाजपा समर्थकों ने पुरजोर से इनका विरोध किया था और यहां तक कि पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने साफ कह दिया था कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल का कभी साथ नहीं देंगे, ना ही काम करेंगे। इधर कांग्रेस प्रत्याशी विवेक विक्की पटेल ने अपना विजय जुलूस वाराणसी नगर में निकाला, जो भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के घर के सामने से गुजर रहा विजय जुलूस थम सा गया और स्वयं नवनिर्वाचित विधायक विवेक विक्की पटेल डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के घर पहुंच गए और उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने भी उन्हें फूलमाला पहनाकर गले लगाया और जीतने पर बधाई दी, जिसके बाद नवनिर्वाचित विधायक विवेक विक्की पटेल अपने विजय जुलूस की ओर आगे बढ़ गए। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।